हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज 26 फरवरी और आज भी हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं एज यूजुअल डेली सुबह 5 बजे मंडे टू मंडे आपको ये सेशन है जो कि अवेलेबल होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आपको इस मेरे जितने भी सेशन है उनकी पीडीएफ चाहिए, साथ में अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप दोस्तों ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसको ज्वाइन कर सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय पुनेश्वर। यहाँ पे नियर बाय 18,000-20,000 स्टूडेंट मिलेंगे दोस्तों, तो उस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी पीडीएफ और मेरे जितने भी वीडियोज हैं वो सभी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, बैंक, रेलवे, यूजीसी का कोई एग्जाम है, कैट, पीसीएस, कोई भी अगर आपका इंडिया में एग्जाम है, तैयारी कर रहे हो अकेडमी सब्सक्रिप्शन से, तो रेफरल कोड आप BHUNESH बुनेश 10 है जो कि आप यूज कर सकते हैं। 10% ऑफ भी मिल जाएगा आपको और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस भी आपको मिल जाएगी। मेरे बैच की बात करें दोस्तों, तो मेरा करंट अफेयर का बैच है जो कि CGL CHSL का चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि अगर आप एक मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मंथ का, तो आप अपनी GK भी कंप्लीट कर सकते हैं और साथ में करंट अफेयर भी जो है 6 महीने की कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि 6 महीने के करंट अफेयर के अंदर आपको नियर बाय जो है 70-80% क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को मिलेंगे। तो होपफुली दोस्तों आपने इसको ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं किया तो एक बार कर लीजिएगा, आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से ही देखने को मिलेंगे। साथ में बैंकिंग, रेलवे की भी आप तैयारी कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था, लास्ट वाला। निम्नलिखित में से कौन सा देश AIIBA वर्ल्ड कप 2020 की मेजबानी कर रहा है? देखो भाई, पहले तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन की, बॉक्सिंग एसोसिएशन की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लुसैन यानी कि जो स्विट्जरलैंड है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। रशिया जो है दोस्तों उसको होस्ट करने वाला है, जैसा कि आपको मालूम है, ठीक है। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड कप जो 2020 का है ये रशिया के अंदर इसको करवाया जाएगा। मोटो रखा गया है बॉक्सिंग फॉर पीस, ये इसका मोटो है जो कि रखा गया है। 1950s के टाइम पे जो है इसको स्टार्ट किया गया था। हाल ही में महातीर मोहम्मद ने अपने इस्तीफे की घोषणा करी है, वह डैश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवारत थे। देखो, अगर यहाँ पे दो तरीके के सवाल बनते हैं, तो हमारे वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट जो है ना कोई भी लीडर कौन था, ये आपको बताना है। 94 ईयर दोस्तों इनकी उम्र है, और जिन्होंने अभी रिसेंटली क्या दिया है यहाँ पे, महातीर जी ने रिजाइन है जो कि दिया है, समझ गए, ठीक है। रिजाइन क्यों दिया है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था कि गठबंधन के साथ में जो है वो सरकार बनाई थी, गठबंधन में जो दूसरी पार्टी थी वो अनवर साहब की थी, अनवर करके जो है उनकी थी। तो दोनों में शुरू में डील हुई थी कि भाई थोड़े टाइम तक के लिए प्रधानमंत्री महातीर रहेंगे, थोड़े टाइम तक के लिए अनवर रहेंगे। 2018 में इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के बाद तो 2 साल तो ये रह चुके हैं प्रधानमंत्री, और जब दूसरे को बनाने की बारी आई तो उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, और जो बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना उसके साथ मिलकर अब ये वापस से प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, समझ गए। वर्ल्ड के ओल्डेस्ट है, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, मलेशिया के दोस्तों ये प्रधानमंत्री थे जिन्होंने रिसेंटली इस्तीफा है जो कि दिया है। रिंगिट है जो कि दोस्तों यहाँ पे करेंसी है जो कि चलती है, कुआलालंपुर कैपिटल है, आपको मालूम है, ठीक है गाइस। अगर आपसे को वर्ल्ड के दोस्तों यंगेस्ट लीडर के बारे में पूछे, तो मात्र 33 साल के हैं, उनका नाम है कर्ट्ज, कहाँ के हैं, ऑस्ट्रिया के हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं यह है महातीर मोहम्मद, और 94 ईयर के हैं दोस्तों, तो उन्होंने अभी रिसेंटली जो है अपनी पार्टी जो है, और पार्टी पेरेसू जो है मलेशिया से इस्तीफा दे दिया है। IQAIR एयर विजुअल की 2019 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में स्थान दिया गया है, वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका गाजियाबाद। देखो भाई, बात ऐसी है कि दुनिया के जो 30 सिटी है ना उसमें से 21 सिटी जो है ना वो इंडिया की है, दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड में। दुनिया की 10 सिटीज की बात करें तो उसमें से जो टॉप 6 सिटीज है वो भी इंडिया की है। गाजियाबाद की हालत बहुत खराब है दोस्तों, एयर क्वालिटी इंडेक्स में 110 पॉइंट है इसके 2019 के अंदर, ठीक है गाइज। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि भारत के अंदर अगर अपने इंडिया में बात करें ना, तो पॉल्यूशन लिंक्ड जो डिजीजेज है, जो डेथ है, वो नियर बाय 34 लाख है। 34 लाख लोग भारत में दोस्तों मर जाते हैं बिकॉज पॉल्यूशन लिंक्ड डिजीजेस की वजह से।
जिसके अंदर पॉल्यूशन की वजह से होने वाले कैंसर भी है, अस्थमा भी है, बहुत सारी और भी बीमारियां हैं। फरवरी 2020 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए डैश रुपए स्वीकृत किए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों नाबार्ड के बारे में आपको बता रहे हैं। देखो शिवा रमन करके जो है ना कमिटी है दोस्तों, जो कि 1982 में बनाई गई थी, उसके द्वारा इसका फॉर्मेशन किया गया। मुंबई में हेडक्वार्टर है और जो इसके हेड है वो कौन है, हर्ष कुमार बनवाला जी। और 400 करोड़ रुपए जो कि अभी इन्होंने रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के लिए सैंक्शन करे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 400 करोड़ आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नाबार्ड ने सैंक्शन किया 400 करोड़ रुपए दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के लिए उनके फाइनेंशियल ईयर के लिए, ताकि बूस्ट मिल सके इंफ्रास्ट्रक्चर को रूरल एरियाज में। तो नाबार्ड तो है ही रूरल एरियाज के लिए, तो वहां पे दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों को छात्रावास और मैस के खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वासती दिवेना योजना लॉन्च करी है? वासती दिवेना योजना, ताकि क्या कर सके छात्र जो है वो छात्रावास मैस का जो पैसा है उनको पूरा कर सके। आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर दोस्तों जगमोहन रेड्डी जी ने ये लॉन्च करी है, और वास्ती देवना योजना इसके तहत 2300 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं, ताकि क्या कर सके लोग अपने हॉस्टल के और मैस के जो एक्सपेंडिचर है ना वो ये क्या कर सके मैनेज कर सके। डिजिटल भुगतान को उपयोगकर्ताओं के लिए दिव्य अनुभव बनाने के लिए आरबीआई का आदर्श वाक्य क्या है? डिजिटल पेमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आपको मालूम है दोस्तों नंदन नीलकणी जो है ना उनकी भी एक नीलकणी के द्वारा भी एक समिति बनाई गई थी कुछ टाइम पहले, एक कमिटी बनाई गई थी। उस कमिटी को इन्होंने क्या किया था, हेड किया था कि डिजिटल पेमेंट को कैसे बूस्ट है जो कि कर सकते हैं। तो इन्होंने कुछ सजेशन दिए थे कि भाई 24/7 कर दो, आरटीजीएस एनईएफटी, साथ में जो इनकी फी लगती है उसको फ्री कर दो, है ना, ऐसे कुछ इनिशिएटिव के लिए इन्होंने बोला था। तो यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ मोटो की, तो कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन, ये है जो कि इनके द्वारा मोटो दिया गया। कैश तो किंग है लेकिन डिजिटल जो है वो डिवाइन है। ठीक है गाइस, तो ये मोटो है आरबीआई का जो कि डिजिटल पेमेंट को आगे बढ़ाने के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो 3.5 लाख करोड़ रुपए जो का जो है ना रिडक्शन देखने को मिला है दोस्तों सर्कुलेशन के अंदर पोस्ट डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन के बाद में दोस्तों एक ही चीज जो बढ़िया होती है वो क्या हुआ था कि लोग डिजिटल बैंकिंग है जो कि यूज करने लग गए थे। पेटीएम एटीएम से लेकर जो इस प्रकार के जो कंपनियां हैं वो सारी चल पड़ी थी, और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थोड़े से इसमें बढ़ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे मोटो मैंने आपको बता दिया है। हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेटर यूसुफ अब्दुल रहीम अल बशूरी को 7 साल के लिए बैन कर दिया है, वह कौन से देश के हैं? तो अगर मैं बात करूं दोस्तों आईसीसी के, तो जैसा कि आप सभी को मालूम है दुबई के अंदर दोस्तों हेडक्वार्टर है, शशांक मनोहर जो है जो कि अभी हेड है, मनु जो है शॉनी ये अभी कौन बने हुए हैं, सीईओ बने हुए हैं। ठीक है, और ये जो प्लेयर बैन हुए हैं ये कहाँ के हैं दोस्तों, ओमान के हैं। ओमान की बात करें तो आपको मालूम है मस्कट है जो कि यहाँ पे इनकी कैपिटल है, करेंसी क्या चलती है, रियाल। ठीक है, एक जो रियाल है ना ओमान का ये हमारे कोई इंडिया के 196 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आईसीसी ने जो है ओमान के क्रिकेटर है उसको 7 साल के लिए बैन कर दिया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की मेजबानी की जाएगी? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, लद्दाख आपका बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ठीक है, कई तरीके के दोस्तों खेलो इंडिया गेम्स स्टार्ट हुए थे, आपको मालूम है खेलो इंडिया अगर आपसे यूथ गेम्स पूछे तो गुवाहाटी हो जाएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पूछे अगर आपसे दोस्तों यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कटक भुवनेश्वर के अंदर इसको करवाए गए थे। ठीक है, KIIT के अंदर इसको करवाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, और साथ में विंटर वाला आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख जो है दोस्तों पहला भारत का जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित करवाने वाला है, 1700 एथलीट यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं दोस्तों, काफी बड़ी बात है। निम्नलिखित में से कौन डेथ एंड इनसाइड स्टोरी पुस्तक के लेखक है? डेथ एंड इनसाइड स्टोरी इस पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों वो कौन है, सदगुरु। ओके, जो कि मैसूर से बिलोंग करते हैं, तो सदगुरु है जो कि इस किताब के लेखक है। तो आप देख सकते हैं
डेथ एंड इनसाइड स्टोरी ऑथर कराया गया सदगुरु के द्वारा, जो कि फाउंडर है किसके, ईशा फाउंडेशन के। जग्गी वासुदेव इनका नाम है, जिनको नॉर्मली सदगुरु के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से मिस दीवा यूनिवर्स 2020 किसने जीता है? मिस दीवा यूनिवर्स आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, एडलाइन जो है ना, डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टोनी जो सिंह है ना यहाँ पे, ये है मिस वर्ल्ड, और फिलहाल जो मिस यूनिवर्स है उनका नाम क्या है, टुनजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मिस दीवा की यूनिवर्स की बात करें तो एडलिन कैस्टोलिना को बनाया गया दोस्तों। अवरती चौधरी को लीवा मिस दीवा सुपर नेचुरल 2020 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अनअकैडमी पे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूजीसी, कोई सीडीएस का एग्जाम है, कोई डिफेंस का एग्जाम हो गया, कोई पीसीएस का, कोई सा भी एग्जाम, तो रेफरल कोड बीएचयू एनईएसएच स्टेल लगा सकते हैं, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और सभी सब्जेक्ट की आपको क्लासेस है जो कि आपको मिल जाएगी। मेरा कोर्स चल रहा है जो करंट अफेयर का चल रहा है, आपको मात्र एक महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है, जिसमें जीके प्लस कंप्लीट जो है मेरे करंट अफेयर है जो कि आपको करवाने वाला हूँ। 6 महीने का करंट अफेयर है जो कि हम इसके अंदर करेंगे दोस्तों। लेना कैसे है, अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फिर ओपन कर लीजिए, फिर आप अपने गोल में जाइए। आपका कोई सा भी गोल हो यार, आप तो यहाँ पे रेफरल कोड जो है ना बुनेश 10 यूज कर लेना, 10% ऑफ और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने एसएससी सेलेक्ट कर लिया, फिर आप प्लस में गए, फिर गेट सब्सक्रिप्शन में गए, फिर आपको यहाँ पे देखो 1 महीने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप 1080 जो रुपीज के अंदर आपको मिल जाएगा। साथ में अगर आप मान लीजिए कोई एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, सीपीओ, जेई, स्टेनो और भी किसी एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 6 महीने 12 महीने का ले लो, फिर आपको रेफरल कोड में यहाँ पे बीएचयू एनईएसएच बुनेस्टन डाल के आपको अप्लाई है जो कि करना है। ठीक है, तो ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन करंट अफेयर्स बाय बुनेस्टर। पीडीएफ के लिए और वीडियोस के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नियर बाय 28,000 जो स्टूडेंट होंगे ना, वो वाला ग्रुप है जो कि ज्वाइन करेगा। क्वेश्चन नंबर डी है आज का, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 के निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण सेशन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, वापस मिलेंगे सुबह 8 बजे वाली क्लास में। 8 AM वाली क्लास बिल्कुल भी मत छोड़िए छोड़ा करो, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसलिए वापस मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।